दोस्तों, मैं रजिया स्वागत करती हूँ आपका रजिया किचन पे। आज हम लोग बनाने वाले हैं दही फुल्की। और दही फुल्की में आप देख सकते हो ये हमारा जो दही है वो कितना गाढ़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसे बीट करना होगा जो कि हमने कर लिया है। एंड देन हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सो मिक्स वेल। अब हम बेसन तैयार करेंगे, तो इसमें नमक डाल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग डालेंगे रेड चिली पाउडर। अब ले रहे हैं हम गरम मसाला, और ये सारा सामान 1/2 टीस्पून डाला है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पे अनियन, ठीक है, हमने अनियन ऐड कर दिया। अब ले लेते हैं हरा धनिया थोड़ा सा, और थोड़ी सी हरी मिर्च, यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली है हमने। हम मिक्स कर रहे हैं इसमें और पानी मिला रहे हैं। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा और वाटर डाला। अब हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा ये बैटर देख सकते हैं आप लोग तैयार हो चुका है। अब हम लोग 1 प्याज और 2 हरी मिर्च चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को प्याज को छील लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जितना मोटा मैंने काटा है उतना ही मोटा आप लोगों को काटना है। एंड देन चॉपर में डालकर चॉप करेंगे इसे। अब हम लोग इसमें मिर्ची कट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी काफ़ी हद तक बहुत पतला चॉप हो चुका है। अब हमने इसे बहुत पतला पतला चॉप कर लिया है और दही में ऐड कर दिया है। दोस्तों, अब हम लोग बना रहे हैं पकौड़े। तो इसमें जो हमने बेसन बनाया था ना, वो इस तरीके से करना काफ़ी ईजी होता है पकौड़े बनाना। ये देखो, ये बन रहे हैं पकौड़े हमारे। सॉरी, इसे फुल्की कहते हैं। ओके गाइस, अब हमारी फुल्की तैयार है। सो लेट्स गो, इसे डाल देते हैं। नाउ बस थोड़ा सा मिक्स करना है एंड ऑलमोस्ट ये रेडी है। यहाँ पे हम थोड़ी सीजनिंग कर रहे हैं, तेल गरम किया, उसमें ज़ीरा डाल के। ये देख सकते हो इसका ओवरव्यू कितना प्यारा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो खाने में तो कितना ही टेस्टी होगा, है ना। अब इसे सर्व करेंगे। गाइस, इसे ट्राई ज़रूर करना है, ये बहुत टेस्टी है। इसका ओवरव्यू देख कर ही आप क्या लगे, कितना अच्छा लग रहा है। एंड हाँ, अगर ये आपको किसी को भी बनाकर खिलाओगे ना, वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। बाय बाय।